आज हम जावा का एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। एग्जाम्पल प्रोग्राम 5, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 इंटीजर्स इन ए सिंगल डायमेंशनल एरे, फाइंड एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4। यानी कि हमें एक इंटीजर एरे तैयार करना है सिंगल डायमेंशनल, जिसके अंदर 20 इंटीजर्स हम स्टोर कर सकें और फिर उसके अंदर हमें नंबर स्टोर करने हैं और फिर उसके बाद में उस एरे के अंदर कितने इवन नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं और कितने नंबर्स को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ये हमें ढूंढना है। इस प्रोग्राम के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास यूटिलिटी पैकेज के अंदर होता है, इसलिए पहले हमें यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम एक इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे सिंगल डायमेंशनल, जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद में इस प्रोग्राम में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम हैं इंट आई, काउंटर 1, काउंटर 2 और काउंटर 3। इन तीनों को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से। फिर उसके बाद में हम यूज़र से 20 नंबर्स एंटर करने के लिए कहेंगे एरे के अंदर, तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन 20, आई डबल प्लस, ए आई इक्वल्स टू ए सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे ए हमारे इंटीजर एरे का नाम है, ए सी हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इंट यह स्कैनर क्लास की मेथड है। तो इसके अंदर 20 नंबर्स पहले आपको एंटर करने होंगे जब प्रोग्राम रन होगा उस समय। उसके बाद में हम इन नंबर्स को इस टेस्ट से गुजारेंगे। टेस्ट के लिए भी हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन 20, आई डबल प्लस, इफ़ ए आई मॉड 2 इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या होता है? मॉड 2 का मतलब किसी संख्या को अगर हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने के बाद में जो भी बाकी बचती है, रिमाइंडर बचता है, अगर वह 0 है, इसका मतलब उस संख्या को हम 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तब यह संख्या सम होगी। तो हम सम संख्याओं को काउंटर 1 में स्टोर करेंगे। तो काउंटर 1 डबल प्लस लिखने से अगर सम संख्या होगी तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसी प्रकार से इफ़ ए आई मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर होगा तो वह विषम संख्या होगी, तब हम काउंटर 2 को इंक्रीमेंट करेंगे। उसी प्रकार इफ़ ए आई मॉड 4 इक्वल्स 0, अगर उस संख्या को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, तब उस संख्या को हम 4 से डिविजिबल कह सकते हैं। उस समय हम काउंटर 3 को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस लूप के अंत में सारी सम संख्याएं हमको काउंटर 1 में मिलेंगी, सारी विषम संख्याएं हमको काउंटर 2 में मिलेंगी और सारे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हैं हमें काउंटर 3 के अंदर मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब आप इस प्रोग्राम को लिखने का प्रयास करें। अगर आपको प्रोग्राम लिखने में कोई दिक्कत हो, अगर आपको लिखा हुआ प्रोग्राम देखना हो, तो इस वीडियो के नीचे एज ए कमेंट उसे पेस्ट किया गया है। तो आइए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। क्लास सेव कंपाइल, प्रोग्राम के आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह ब्लूजे का कंपाइलर है। अगर आपके पास यह सॉफ्टवेयर नहीं है तो bluej.org इस वेबसाइट से आप फ्री में इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर मेरे वीडियो में जितने भी जावा के प्रोग्राम्स हैं वे सभी आप इसके अंदर रन करके देख सकते हो। एंटर 20 इंटीजर्स, एंटर ए नंबर। अब यहाँ पर हमको 20 नंबर्स इंटीजर नंबर्स ऐड करने हैं। तो 20 नंबर ऐड करने के बाद में हमको रिज़ल्ट मिल जाता है, इसके अंदर कितने इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं और कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं।